हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइनर स्केल का लेसन। पहले मैंने आपको वीडियो में मेजर का लेसन दिया था, शुद्ध स्वरों की सरगम आपको बजानी है। अब जो आपको लेसन में दे रहा हूँ वो है विकृत स्वर यानी कि कोमल स्वरों की सरगम। वेस्टर्न म्यूज़िक में हम इसको माइनर स्केल बोलते हैं। तो स्केल अभी आपके लिए मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था, सी शार्प। सी शार्प से आपको बजाना है। पहले मैंने आपको बताया था सा रे गा मा प ध नि सा, ये मेजर सरगम थी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है माइनर। माइनर में क्या हो जाता है, अब देखिए, गा मा पहले एक साथ थे, अब माइनर में रे और गा एक साथ होंगे, पा के साथ धा होगा और बाकी सभी एक एक छोड़ के होंगे। तो आइए देखते हैं। अब इसके जो नेम बनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक के अकॉर्डिंग वो बनेंगे सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी एंड सी शार्प, जो नेक्स्ट ऑक्टेव का आपका सा जो अगला आ जाएगा वो। तो जो हमने ये जो स्वर अब चेंज किए हैं वो उनको हम बोलते हैं कोमल स्वर। सा रे गा मा प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। आ रो अब रो, अभी मैंने आपको बजाया, अभी आप इसको देखें और टेक्निक से इसको समझें। भाई सा के बाद रे की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वही रहेगी जो मैंने आपको बताया था नोट। पहले स्वर को आपने नोट मानना है, फिर सेकंड जो आ रहा है एक छोड़ के वो नोट होगा, और जो उसके साथ वाला होगा वो हाफ नोट होगा। हाफ नोट नोट बोल सकते हैं और फुल नोट भी उसको बोल सकते हैं। तो अब सी शार्प से हम बजा रहे हैं माइनर सरगम जो आ रही है आपकी नोटेशन, सी शार्प, डी शार्प, ई, यानी कि नोट नोट, फिर ये हाफ नोट, डी शार्प के बिल्कुल साथ में। अब गा सा रे गा, अब रे और गा एक साथ हो गए। अब गा के बाद फुल नोट, मा फुल नोट, प, फिर हाफ नोट, ध। अब धा के बाद नी जो आ रहा है वो फुल नोट आ रहा है। ए के बाद हमने ए शार्प छोड़ा और बी पर आए, और फिर सी छोड़ के सी शार्प पे, बी के बाद सी शार्प, ये भी आपका फुल नोट होगा। नोट फुल नोट, हाफ नोट फुल नोट, फुल नोट हाफ नोट, फुल नोट देन फुल नोट, ऐसे आपको वापस आना है। नोट फुल नोट, फुल नोट, हाफ नोट, फुल, फुल नोट, फिर हाफ नोट, फिर फुल नोट। सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प,
बी देन सी शार्प। इसी टेक्निक से आप दूसरे किसी और स्वर से भी आप उसको माइनर सरगम बजा सकते हैं इसी तरीके से। तो वही जो मैंने आपको सरगम पहले बताई थी वही आप इसी चीज़ पर इसी स्केल पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले इसको सिंगल बजाना है फिर डबल बजाना है। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा। थर्ड वाला सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा सा सा। ठीक है, तो मेजर और माइनर दो तरह की सरगम्स होती हैं, तो आपको अलग अलग सॉन्ग्स को प्ले करने में हेल्प करेगा। मेजर भी आपको आना चाहिए और माइनर भी आना चाहिए। मेजर मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया और माइनर का मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सॉन्ग्स का मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी आपने सिर्फ सरगम को प्रैक्टिस करना है। सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा। धीरे धीरे आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं फिंगर्स की। सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा। प्रैक्टिस के लिए गाने में भी और बजाने के लिए भी आप इसको धीरे धीरे स्पीड बढ़ाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा। इस ढंग से भी आप इसको बजा सकते हैं। वो आपने धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना है। पहले आपको अपना फिंगर सेट करना है, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर थंब फर्स्ट सेकंड थंब फर्स्ट सेकंड, ऐसे ही वापस आना है। सेकंड फर्स्ट थंब सेकंड फर्स्ट थंब सेकंड फर्स्ट। पहले फिंगर सेट करेंगे उसके बाद आप स्पीड को अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर आपको पसंद आए, लेसन आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे। थैंक यू।